Indian Prime Minister Narendra Modi is set to visit Russia next week and meet with President Vladimir Putin. This comes as the U.S. and other Western countries have been trying to isolate Russia for its invasion of Ukraine. मोदी साहब इस वक्त डिमांड में हैं, पीएम मोदी इन बिग डिमांड। पूरी दुनिया में इस वक्त जो नजरें हैं वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हैं और उनके मॉस्को विजिट पर हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी मॉस्को पहुंच रहे हैं और मॉस्को में वो दोपहर का खाना खाएंगे प्रेसिडेंट प्यूटिन के साथ कल दोपहर का, और उसके बाद वो वहाँ पे उनकी बायलेटरल जो मुलाकातें वो होंगी। मोदी साहब को रेड कारपेट वेलकम दिया जाएगा और प्राइवेट डिनर रखा गया है, और यही नहीं बल्कि वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत जोश शोरों से तैयारियां कर रहा है मोदी साहब को वेलकम करने के लिए। वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स अ बिग ऑनर फॉर अस एंड वी आर गोइंग टू परफॉर्म आवर डांस व्हिच कॉल्ड परिपाही। इंडिया रशिया जो रिलेशनशिप है इसको प्रिविलेज्ड स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है। स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड, प्रिविलेज्ड ये है कि इसकी हिस्ट्री है। मोदी साहब का जो दौरा है, एक तो ये पहला दौरा है यूक्रेन की जंग के बाद, 5 साल के बाद ये पहली समिट हो रही है, 2 दिन की समिट होगी वहां पे। नरेंद्र मोदी जो है वो अगर पुतिन को और शी जिनपिंग के बीच में कोई ऐसी दरार डाल सके या जो व्लादिमीर पुतिन है वो ये अश्योरेंस दे सके कि इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट में रशिया बिल्कुल साइलेंट होगा। चाइना का तो बहुत बड़ा दर्द सर बना हुआ है, चाइना तो जितनी कीनली ये देख रहा है विजिट तो शायद उतनी कीनली तो वेस्ट भी ना देख रहा। वेस्टर्न ममालिक जो हैं दे आर नॉट एब्सोल्युटली हैप्पी कि जिस पुतिन को व्लादिमीर पुतिन को मगरबी ममालिक एक प्राया स्टेट बनाना चाहते थे लेकिन नरेंद्र मोदी कल वहां पहुंच रहे हैं। सो सारे का सारा जो वेस्ट है, यूरोप हो अमेरिका हो, वो बड़े नाराज हैं। पाकिस्तान तो याद होगा कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान जिस दिन जंग शुरू हुई वहां पहुंच गए तो हमसे तो जारी बात है फिर जो हमारा पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली दुनिया में कहा गया कि जी देखिए ये कौन मुल्क है क्या कर रहे हैं, लेकिन इंडिया कॉन्टिन्यूसली जा रहा है आ रहा है, कोई परवाह नहीं है। तो वही बहुत है चाइना को परेशान करने के लिए। क्या चाइना क्या चीन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस रशिया विजिट के हवाले से बहुत परेशान है और अपने लिए खतरा समझ रहा है? क्या प्रेजिडेंट शी जिनपिंग को ये लगता है कि उनकी जो कुछ दोस्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं रशिया के साथ उन पर ये विजिट असर अंदाज हो सकता है? तो देखें ये बात अपनी जगह पर सही है कि मोदी साहब का कोई भी विजिट शी जिनपिंग के लिए खतरे का बाइस हो सकता है। रूस ने भारत के लिए तोहफों की झड़ी लगा दी है। हम आपको रूस के 4 ऐसे तोहफों के बारे में बताएंगे जो भारत को भयंकर ताकत देंगे। सबसे पहले तो पीएम मोदी के रूस पहुंचने से पहले ही भारतीय सैनिकों को 35,000 AK-203 राइफल्स पहुंचा दी गई हैं। ये AK-203 राइफल्स रूस की मदद से भारत में ही बनाई गई है। इन राइफल्स का निर्माण अमेठी में बनी फैक्ट्री में हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन। जैसा कि आपने वीडियो में देखा मोदी जी रशिया के दौरे पर हैं और वहां उनका भव्य स्वागत हो रहा है। इसी के साथ ही पुतिन ने मोदी जी के लिए प्राइवेट डिनर भी रखा है। मोदी जी के इस रशिया के दौरे से बहुत से देश यूक्रेन अमेरिका चाइना वगैरह सब खफा हैं। अमेरिका के तो संसद में भी सवाल उठा कि अमेरिका भारत को इतना कुछ दे रहा है फिर भी भारत रशिया से इतनी नज़दीकियां क्यों बढ़ा रहा है। हाल ही में रशिया ने न्यू टेक्नोलॉजी के वेपन बनाए हैं जो उसने इंडिया से शेयर करने में ज़रा भी नहीं सोचा। कोई दूसरा देश होता तो ऐसा करना तो दूर, करने का सोचता भी नहीं। वहीं यही वजह है कि भारत रशिया एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। वहीं भारत ये भी चाहता है कि वो रशिया इंडिया चाइना डिस्प्यूट में भारत का साथ दे। ये सब देख पाकिस्तानी मीडिया को बहुत मिर्ची लग रही है। आपका इस पर क्या विचार है आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं।
वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। चाइना तो जितनी कीनली ये देख रहा है विजिट, तो शायद उतनी कीनली तो वेस्ट भी ना देख रहा हो, क्योंकि चीन को बहुत चाइना वरिड है कि जो टॉक्स होंगी और जो प्राइवेट डिनर रखा है प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, उसमें क्या बात होगी और ये आखिर इतने नज़दीक फिर से क्यों आ रहे हैं, फिर से क्या, वो तो अलहदा कभी हुआ ही नहीं थे सर, उनमें अलहदगी नहीं हुई थी। हाँ, चाइना ये क्योंकि फर्स्ट टाइम करीब आ रहा है, जो हालात हैं जियो पॉलिटिक्स जो चल रही है उसकी वजह से, इसलिए उसे महसूस हो रहा है। और सिर्फ चाइना ही क्या, क्या पाकिस्तान को जेलसी महसूस नहीं हो रही? पाकिस्तान भी अंदर से जेलस हो रहा होगा कि देखिए जब हमें बुलाया जाता है तो हमें तो ऐसा इस्तकबाल नहीं दिया जाता, हमें तो इस तरीके से वेलकम नहीं किया जाता। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जब जाता है तो क्या उसका पूरी दुनिया में उसका जो पुतिन से मुलाकात होती है उसका इस तरीके से चर्चा होता है? नहीं, कभी भी नहीं। जब मीटिंग हो जाती है तो पता चलता है, सब पिक्चर्स और फुटेजेस जो आई हैं वो सारी आ जाती हैं बाहर कि जनाब ये हुआ है कि वो पुतिन साहब खड़े थे तो उनसे हाथ मिलाने के बजाय जो है वो आगे निकल गए और सरगेई लवरों से उन्होंने हाथ मिला लिया, इस तरह की खबरें। लेकिन मतलब जेलसी तो फिर पाकिस्तान को भी हो सकती है, हो रही होगी अंदर खाने के, देखिए अब ये जो है ये तो फिर से बहुत करीब आ रहे हैं और बड़ा। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंडिया और रशिया कभी भी दूर नहीं गए थे, वो हमेशा से करीब हैं और करीब ही रहेंगे। और उनके इन दोनों का जो विजिट है, जो मुलाकात होगी, उसमें आप देखिएगा कि कैसी गर्म जोशी नज़र आती है। खबरें ये आ रही हैं कि मोदी साहब को रेड कारपेट वेलकम दिया जाएगा और प्राइवेट डिनर रखा गया है। और यही नहीं बल्कि वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत जोश शोरों से तैयारियाँ कर रहा है मोदी साहब को वेलकम करने के लिए। क्रेमलिन ने बहुत तैयारी कर रखी है, क्रेमलिन की जो सारी इसमें तैयारी नज़र आ रही है कि रेड कारपेट तो है ही, उसके साथ भी और बहुत कुछ उन्होंने रखा है मोदी साहब को वेलकम करने के लिए। एक ग्रैंड विजिट है ये और उनका ग्रैंड वेलकम होगा मोदी साहब का वहाँ पर। तो उसमें जो मैंने ये बात कही कि भारत का वजीर आज़म इन डिमांड, पूरी दुनिया में हर एक की नज़रें भी उस पर हैं और हर कोई ये चाहता है, हर कंट्री ये चाहता है हमारी तरफ आए। इसमें एक और सवाल कि वेस्ट जेलस क्यों होगा, क्योंकि वेस्ट के तो खुद इतने अच्छे रिलेशन हैं इंडिया के साथ। मोदी साहब के जब फ्रांस के वहाँ पर लीडर जाते हैं इंडिया में तो उनको रोड शो में वो लेकर जाते हैं, आपने देखा था, मैक्रोन से लेकर वहाँ के जो हैं लीडर्स वो तो इंडिया में उनका जिस तरह इस्तकबाल किया जाता है और हाथों में हाथ डालकर, मैक्रोन के साथ आपने देखा कैसे नरेंद्र मोदी और मैक्रोन हाथों में हाथ डालकर एक गाड़ी पर खड़े होकर वो जो रोड शो हुआ था वो क्या आपने नहीं देखा? फिर और वेस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं उन सबसे ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। और जॉर्जिया मेलानी तो आपको पता है वो तो दीवानी है, वो तो गर्वीदा है मोदी साहब की, इतनी बड़ी फैन है वो कि वो आपको पता है वो मोदी मेलोडी जो चलती है सेल्फी उन्होंने फिर खुद से बनाई है। तो वेस्ट भी मोदी साहब को बहुत ज्यादा पसंद करता है, ये हमें नजर आता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।